गाइस वेलकम टू अन अकेडमी लॉ। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये लास्ट टॉपिक बचा है अंडर की अग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं, अग्रीमेंट दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आपको अभी तक मैरिज में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई है, आपको ट्रेड में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई है और लीगल प्रोसीडिंग्स उसका लास्ट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम मैरिज के जो थोड़े से टॉपिक रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे और ट्रेड के को भी जो कल मैं पढ़ा रहा था उसमें भी थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था पार्टनरशिप एक्ट का, एक सेकंड ओके उसको भी करेंगे। बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स देखेंगे क्या होता है अगर आपको कोई कोर्ट में केस करने से रोके, ऐसा कोई अग्रीमेंट कर ले कि तुम मेरे खिलाफ अदालत में नहीं जाओगे, मेरे अगेंस्ट केस नहीं करोगे, तो ये सारे अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सेप्शन है, उसको थोड़ा समझते हैं। ओके जागृति आ चुकी है, हाय जागृति, वेरी गुड इवनिंग। हाय अपना, वेरी गुड इवनिंग। विमर्श आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग विमर्श। महक वेरी गुड इवनिंग। शिखा वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऑलरेडी वेट करो, सॉरी क्लास थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, दिन ज्यादा नहीं बचे हैं और सिलेबस काफी बचा हुआ है। अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और लॉजिकल रीजनिंग लीगल और करेंट को लेकर, तो प्लीज सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दीजिएगा। ये गलती मत करिएगा कि बस आपको जिस जो पढ़ने में मजा आ रहा है वही पढ़ते चले जा रहे हैं और बाकी चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जब तक आप सारे सेक्शंस को अच्छे से समझ नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है और वीकनेस कहाँ लाई करती है। तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और नए पैटर्न पे बेस्ड हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। आज भी 10 बजे हमारी स्पेशल क्लास है, सॉरी 9 बजे स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग एलेट के बारे में बात करेंगे। आज आखिरी दिन होगा जबकि हम एलेट 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं, उसके अलावा बाकी जो भी हैं उसको हम डिस्कस करके आज कंप्लीट कर लेंगे एलेट का डिस्कशन। इसी तरीके से आज यूट्यूब पे हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मैरिज ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्ट्रेंट से रिलेटेड। ओके जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है नितिन गौरव श्रीवास्तव, आई एम एन लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। क्लैट में मेरी रैंक 364 थी और अब मेरे अन अकेडमी NGS लाइव मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अन अकेडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वारीज पूछ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होते रहते हैं और प्लस में काफ़ी डेडिकेटेड बैचेस हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैच चूज कर सकते हैं कि अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आपके टाइप की चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अभी 11th 12th में हैं तो कैसे बोर्ड्स के साथ मैनेज कर रहे हैं उसमें भी सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। तो डेडिकेटेड बैचेस हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, पूरा सिलेबस आपका कवर होता चलेगा। और वहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट सीरीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आप जब 13th जून को 2 बजे से 4 बजे तक क्लैट का पेपर दे रहे होगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, उसको समझने में, और बाकी चीज़ें आपकी मॉक के दौरान ही प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सेक्शनल टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि फ्री का फीचर है अन अकेडमी प्लस पे, जिसमें आपसे टेस्ट किया जाता है कि आप आधे घंटे में कितने सेक्शंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर सेक्शन के। तो अगर मान लीजिए 36 क्वेश्चंस हैं लीगल रीजनिंग में, तो 30 मिनट में क्या आप 36 क्वेश्चंस के पैसेजेस पढ़ के उनके आंसर्स दे पा रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये फ्री का फीचर है। आपको सिर्फ एक कोड यूज़ करना है NGS लाइव, इस कोड से आप इसको फ्री में अनलॉक कर सकते हो और आप उससे अपने सेक्शनल टेस्ट सीरीज दे सकते हो। एक्सक्लूसिव बैचेस चलते रहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो क्रैश कोर्स चल रहा है एलेट का भी, क्लैट का भी, और ड्रॉपर्स के लिए अलग बैच है, 12th वालों के लिए अलग बैच है। तो एक्सक्लूसिव बैचेस हैं जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होते हैं आपकी प्रिपरेशन में। डिटेल्ड एनालिसिस होता है आपके हर टेस्ट का, आप जो भी टेस्ट दोगे आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी थी, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और वो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया और कौन सा चूज़ करना चाहिए था, और आपने क्या सोच के वो चूज़ किया होगा उसके बारे में भी एनालिसिस होती रहती है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जाते हैं तो मेरा कोड NGS लाइव याद रखिएगा, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है। तो अगर आपको 20,000 का जो कोर्स है हमारा 6 मंथ्स का, वो आपको 18,000 में मिल जाता है। अब सिर्फ ऑलमोस्ट 4 मंथ से भी कम बचे रह गए हैं, तो आप 3 मंथ का सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा होता है जहाँ पे आपको शादी करने से रोका जा रहा है, वो अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। तो पार्शियल और कंप्लीट रिस्ट्रेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे,
ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वहीं से चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक सेकेंड कि मैं कमेंट्स देख लूँ अगर आ रहे हैं तो। ओके ऑलराइट, निकिता भी आ गई है। हाय निकिता, वेरी गुड इवनिंग। आप कह रहे हैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज सर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू अंडरलाइंड और राइटिंग इन द पीडीएफ आल्सो मस्ट बी इंक्लूडेड व्हेनेवर यू आर सेंडिंग द पीडीएफ, माय हम्बल रिक्वेस्ट। अपने तो बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब पीडीएफ सेंड करता हूँ तो देखिए मैं तो बहुत सारी चीजें अंडरलाइन कर देता हूँ, तो पूरा रेड रेड हो जाता है, तो आप उसको समझ लीजिए। हालांकि अब मैं जब भी पीडीएफ भेजूंगा तो मैं एनोटेशन के साथ भेजूंगा, तो मैं उसके साथ ही उसको सेव करूंगा, उसके साथ ही भेजूंगा। आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तो भेज दूंगा। हालांकि चीजें आपको खुद ध्यान देनी होगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दो सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन 26 सेक्शन 28, वो थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही सामने आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। पर आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल अब एनोटेशन हटाऊंगा नहीं, जो भी चीज अंडरलाइन होगी मैं उसको अंडरलाइन के साथ ही भेजूंगा। ओके ऑलराइट, ओके अपने तो कह रहे हैं सर बिना कोड डाले ओपन हो जाती है फ्री क्लास। अपने तो आपका ओपन हो जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहली बार अनअकैडमी पर जाएगा तो उसको कोड डालना पड़ेगा। तो अगर वो अनअकैडमी पे है ही नहीं, वो रजिस्टर कर रहा है अनअकैडमी में पहली बार, तब उसको फ्री की चीजें एक्सेस करने के लिए कोड डालना पड़ता है। One second. Okay, अभी आवाज आ रही है? अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अगर वॉइस आ रही हो तो कंफर्म करके बताइए। अच्छा अच्छा ओके ओके, चलिए अभी ठीक है, अभी सही हो गया है। आई एम अज्यूमिंग कि अभी सही हो गया है। ओके ओके ठीक है, अभी अभी स्क्रीन भी आ जाएगी, आवाज़ भी आ जाएगी। रियली सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, आई एम रियली सॉरी। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात होती है तो वो अग्रीमेंट जो है पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। चाहे मैरिज की बात करें चाहे ट्रेड की बात करें, तो वो पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल कैसे होगा? पार्शियल ऐसे होगा कि मैं आपसे बोलूं कि आप 5 साल तक शादी मत करो। कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट होगा कि आप शादी ही मत करो। तो अगर मैं आपको पूरा शादी करने से ही मना कर रहा हूं तो कंप्लीट रिस्ट्रेंट हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक मत करो तो एक पार्शियल रिस्ट्रेंट हो रहा है। तो ये दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या समझने वाली बात है। ओके सर प्लीज फिक्स द पीडीएफ इशू। हाँ ठीक है, पर अपना तो मैं कर लूंगा, पीडीएफ वाला इशू फिक्स हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, शिवानी भी आ गई हैं। हाय शिवानी, तो चलिए आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ, आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। चलिए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 28 में अग्रीमेंट ओनली इन कंप्लीट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की बात की जाती है। यहाँ पे जो शब्दों का चयन हो रहा है ना सेक्शन 26 का, वो रादर जनरल रखता है विदाउट फॉरवर्डिंग अ डिफरेंस बिटवीन पार्शियल और कंप्लीट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड हैज बीन इंटरप्रेटेड टू होल्ड एन अग्रीमेंट सर्विंग टू ईदर रिजल्ट एज वॉइड। तो चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो, दोनों में ही क्या होता है? वॉइड होता है। मैंने आपको बताया पार्शियल का क्या मतलब है। पार्शियल मतलब आप आधा रोक रहे हो, थोड़ा सा रोक रहे हो, पूरी तरीके से मना नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप 5 साल तक शादी मत करो, 6 साल तक शादी मत करो, तो यहां पे आप क्या करो? पार्शियल रिस्ट्रेंट, या इस कास्ट में शादी मत करो, इस रिलीजन में शादी मत करो, और जहां करना है करो। तो यहां पे क्या हो रहा है? पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट हो रहा है, चाहे आप पार्शियली रिस्ट्रेंट करो चाहे आप कंप्लीटली रिस्ट्रेंट करो, ये दोनों ही अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। ओके एक सेकेंड आपके कमेंट्स देख लूं मैं।
अपना तो क्या एक्सप्लेन करने को आप बोल रहे हैं? मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है, अगर आपके साथ कोई अग्रीमेंट कर रहा है कि तुम शादी मत करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा या कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए, तो ये सारे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ये तो क्लियर है। अब हो सकता है वो पार्शियल हो या कंप्लीट हो। पार्शियल मतलब तुम इतने टाइम तक शादी मत करो, कंप्लीट मतलब तुम शादी ही मत करो। तो कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, चाहे कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हो, ये दोनों ही अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। वन में भी एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेंड फ्रॉम मैरिंग एट ऑल और फ्रॉम मैरिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और पार्शियली रिस्ट्रेंड फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन इन एनी ऑफ द अबव इवेंट्स, द अग्रीमेंट इज वॉइड। सेक्शन 26 डज नॉट डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंड एंड पार्शियल रिस्ट्रेंड अपॉन द फ्रीडम ऑफ मैरिज। दिस हैज बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड बाई द जुडिशरी इन वेरियस केसेस। तो वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मान लीजिए मुस्लिम हो, मैं कहूँ कि आप हिंदू से शादी मत करो, हिंदू लड़के से शादी मत करो, बाकी जिससे करना है करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पार्शली रिस्ट्रेन कर रहा हूँ। या तो मैं कहूँ कि तुम शादी ही मत करो तो, और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर रहा हूँ। तो चाहे मैं पार्शियली रिस्ट्रेंट करूं चाहे कंप्लीटली रिस्ट्रेंट करूं, ये दोनों ही अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। बस इतनी सी बात बताई गई है स्लाइड में, इतना ही बताना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, चिराग कह रहे हैं सर मेरा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। चिराग नहीं, आपका प्रॉब्लम नहीं था, ये मेरा ही प्रॉब्लम था, किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, तो अब सब क्लियर हो गया है, अब तो आ रही है। ओके, तो और मैंने उस बीच में कुछ बताया भी नहीं है, मैंने बस इतना बताया है कि अग्रीमेंट और रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो आपको पहले ही समझ चुके हैं, उसमें पार्शियल भी हो सकता है कंप्लीट भी हो सकता है, बस इतनी बात बताई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केस है यहाँ पे देखिए, अब्बास खान एंड अनदर वर्सेस नूर खान। इस केस में लाहौर हाईकोर्ट के सामने का केस था, एक मुस्लिम महिला थी, एक आदमी से शादी करी बिना अपने नियरेस्ट मेल रिलेटिव से पूछे। तो उनका जो नियरेस्ट मेल रिलेटिव, मान लीजिए उनके पिताजी हो या जो भी नियरेस्ट मेल रिलेटिव हो, उनसे पूछे बिना उन्होंने से एक आदमी से शादी कर ली। इट वॉज कंटेंडेड बाई द किन, रिश्तेदारों ने बोला कि आप जो है वो पठान कम्युनिटी की हैं, इलाका मुखाड़। यहाँ पे ये एक मान लीजिए कि कम्युनिटी है, इनमें कुछ प्रैक्टिस होती होगी कि आप बिना नियरेस्ट मेल रिलेटिव से पूछे शादी नहीं कर सकते। द ब्राइड ग्रूम हु मैरिड द वुमेन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर नियरेस्ट मेल रिलेटिव मस्ट पे टू द मैन एन अमाउंट कॉल्ड रोघा और ब्राइड प्राइस अंडर कस्टमरी मॉमडन लॉ। तो कस्टमरी, देखिए कस्टमरी लॉ होते हैं, कुछ लोग कस्टम से चलते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। तो कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे बिना पूछे शादी कर लिए हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे मुझसे, तो यही यहाँ का कस्टम है। यहाँ पे कहते हैं उसको रोघा कहते हैं, एक अमाउंट है रोघा, वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि द ब्राइड ग्रूम हु मैरिड द वुमेन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर नियरेस्ट मेल रिलेटिव मस्ट पे टू द मैन एन अमाउंट कॉल्ड रोघा। तो ये रोघा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप बिना पूछे शादी कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, द लोअर कोर्ट्स हैड एसर्टेन दैट सच अ प्रैक्टिस एग्जिस्टेड एंड हैड अलाउड द प्लेंटिफ टू सीक पेमेंट फ्रॉम द ग्रूम। उन्होंने कहा ठीक है पैसा लो आप इनसे। हाउएवर अ डिविजन बेंच ऑफ जस्टिसेस एट द हाई कोर्ट ऑन द सेकेंड अपील हेल्ड कि ऐसा पैसे देने की अगर आप कोई बात कर रहे हैं शादी के लिए एक एडल्ट वुमेन की, तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है क्योंकि ये इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ऐसा अगर आप मान लीजिए, अब कंसेप्ट ये होता है कि आप अगर 18 साल से ऊपर हो तो आप जिससे मन करे उससे शादी करो, जहां करना है वहां करो। अब उसमें आप कोई ऐसा कस्टम लेके आ जाओ कि अगर बिना पूछे शादी करोगे तो पैसा देना पड़ेगा लड़के को, तो ये सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं, एक तरीके से रिस्ट्रेन कर रही हैं, एक कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है शादी में। तो आपकी जो चॉइस है मैरिज की वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, या बिना अगर पूछ के करोगे तब तो कोई बात नहीं है, बिना पूछे करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, आपको कानून इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है, ये इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है। अपना तो पूछ रहे सर व्हाट इज मॉमडन लॉ, मॉमडन लॉ मतलब मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ प्राइवेट पर्सनल लॉज होते हैं ना, तो मॉमडन लॉ मतलब मुस्लिम लॉ। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो वो इंडियन हिंदू हिंदू लॉ में पढ़ोगे, जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो वो, जब मैं आपको फैमिली लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें हिंदू लॉ भी पढ़ाऊंगा मॉमडन लॉ भी पढ़ाऊंगा। मॉमडन लॉ मतलब मुस्लिम, मॉमडन मतलब मुस्लिम, उसमें कोई कोई नई चीज नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जो भी हमारे पर्सनल लॉज होते हैं
आप शादी कैसे करोगे, आपका डाइवोर्स कैसे होगा, आप एडॉप्शन कैसे करोगे, आप जितनी भी आपके पर्सनल अफेयर्स हैं ये सारे आपके पर्सनल लॉ से डील होती हैं। तो हिंदू में अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स उसी में हो रहा है, उसी में एडॉप्शन का भी अलग से है, तो सारी चीज़ें, इनहेरिटेंस कैसे होगा, सक्सेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लॉज में आती हैं। तो मॉडर्न लॉ का अलग कंसेप्ट होता है, हिंदू लॉ का अलग कंसेप्ट होता है। तो ये है ओके। तो इन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस गलत है, इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ओके तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक स्कॉट स्मिथ एक जज हैं, इन्होंने कहा कि टू एनफोर्स सच अ कस्टम, ऐसा कस्टम जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने पूछ के शादी नहीं करी, वुड बी टैंटमाउंट टू सेइंग कि वुमेन ऑफ फुल एज कैनॉट मैरी अ मैन अनलेस द लेटर पेज अ लार्ज सम। तो बिना बहुत सारा पैसा दिए आप एक मतलब व्यस्क महिला हो और आप शादी नहीं कर सकते हो, इसका तो ये मतलब हो गया। विच इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू डू टू हर नियरेस्ट मेल रिलेटिव। तो हो सकता है मेरे पास इतने पैसे ही ना हो, मैं इतने पैसे दे ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूछ के शादी करनी पड़ रही है। मतलब अगर मैं शादी करूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकती। ये तो गलत हो रहा है ना, आपको रिस्ट्रेन किया जा रहा है। इट वुड बी अ कस्टम इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो कस्टम है, आप जो कह रहे हो कि अगर बिना पूछे शादी करोगे तो आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे, कह रहे हैं कि ये आपको रिस्ट्रेन कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शादी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या लग रहा है, जो सेक्शन 26 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें आपका अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के अंडर आ रहा है। दस इवन दो द कस्टम ओनली इम्पोज्ड अ पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, इट वॉज फाउंड इन कंफ्लिक्ट टू सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिस्ट्रेंट पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। अगर पार्शियल हो रहा है तब भी वॉइड है, कंप्लीट हो रहा है तब भी वॉइड है। इस सिचुएशन में ये जो केस हमने डिस्कस किया, अब्बास खान एंड अनदर वर्सेस नूर खान, इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल रिस्ट्रेंट है। आप पैसे दे दो शादी कर लो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे, तो रिस्ट्रेंट पार्शियल हो रहा है, कंप्लीट रिस्ट्रेंट नहीं हो रहा है। यानी कि आप शादी कर ही नहीं सकते, आप करो शादी लेकिन पैसे दे दो, तो पैसे किस बात के दे दो, कह रहे हैं कि इसमें तो आप जो है रिस्ट्रेन कर रहे हो ना, आप पार्शियली रिस्ट्रेन कर रहे हो। और अगर आप पार्शियली रिस्ट्रेन कर रहे हो तो आप सेक्शन 26 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका वायलेशन हो रहा है, उसके कंफ्लिक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा जो कि वॉइड होता है, कोर्ट नहीं आपको पैसे दिलाने जा रहा है, कोर्ट इसमें इन्फोर्स नहीं कराएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, कोर्ट नहीं कहेगा कि ये कस्टम था, तुमने बिना पूछे शादी कर ली, अब तुमको पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करेगा क्योंकि ये वॉइड है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, पार्शियल रिस्ट्रेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अपनत्व कह रहे हैं सर ये फैमिली लॉ के टॉपिक्स हैं, नहीं अपनत्व ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है, जो सेक्शन 26 यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, फैमिली लॉ की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फैमिली लॉ में भी हम ये सब बातें करेंगे कि शादी कैसे होनी चाहिए, कब वैलिड होगी, कब वॉइड होगी, कैसे डाइवोर्स होगा, वो सब बात हम बाद में करेंगे। अभी हम कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो कि शादी किसी को करने से रोक दो, आप कहो कि तुम अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हें, शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये सारी चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 26 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ऐसे अग्रीमेंट्स को बोलता है कि वॉइड है। तो आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो ना अपनत्व, आप पहले भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हो रहे हो क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये खरीद लिया, ये बेच लिया, ये ऑफर हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुआ, ये कंसिडरेशन हुआ। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कैसा टॉपिक आ गया, शादी में कौन सा अग्रीमेंट, शादी में कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी ऑफर हो रहा है उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, कोई कंसिडरेशन हो रहा है, एक अग्रीमेंट हो रहा है जहां पे आपसे कुछ कहा जा रहा है कि तुम ये करो तो मैं ये करूंगा, तो वही तो बात हो गई ना, तुम शादी मत करो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो अग्रीमेंट ही तो है ये, एक अग्रीमेंट ही तो है कि आप शादी मत करो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, या तुम इससे शादी मत करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये भी तो एक तरीके का अग्रीमेंट ही है। तो इन्हीं अग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं होते हैं, इनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में, अब मान लीजिए अपनत्व जो है, आप सोच एक सेकेंड, अपनत्व कह रहे हैं वाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड बिटवीन अब्बास एंड नूर, तो है तो वॉइड, बोल तो रहा हूँ मैं वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो
पार्शियल रिस्ट्रेंट में है, मैं यही तो कह रहा हूं कि अब्बास खान एंड अनदर वर्सेस नूर खान वाले केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, तुमने शादी बिना पूछे कर ली है, अब कस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये वॉइड है। कोर्ट कह रहा है कि ये वॉइड है, ये अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो वॉइड ही तो है। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैंने कब कहा कि वॉइड नहीं है, वॉइड है ये, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल है, वॉइड है ये अग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉज नॉट एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल नहीं था, तो वॉइड था तभी तो एनफोर्सिएबल नहीं था, नॉट एनफोर्सिबल बाई लॉ। ओके, तो ये है। चलिए, तो ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में। बाकी अब थोड़े से बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। द जुडिशरी हैज सिंस फॉलोड दिस इंटरप्रिटेशन, एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, चाहे एब्सोल्यूट हो पूरी तरीके से हो या पार्शियल हो आधी तरीके से हो, ये वॉइड होते हैं भारत के अंदर। ये कॉन्ट्रास्ट टू इंग्लिश लॉ है जो कि पार्शियल रिस्ट्रेंट को वॉइड नहीं मानता। इंग्लिश लॉ में पार्शियल रिस्ट्रेंट आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया में आप पार्शियली भी रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते। इंग्लैंड में आप पार्शियली रिस्ट्रेंट कर सकते हो, इंडिया में आप पार्शियली भी नहीं कर सकते, पार्शियली भी वॉइड होता है। हाउएवर, अ सीमिंग डिपार्चर फ्रॉम दिस इंटरप्रिटेशन वाज सीन इन द मैटर ऑफ एयर इंडिया एंड अदर्स वर्सेस नरगेश मिर्जा एंड अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। अगर केस का नाम भी आप याद रख सके तो रख लीजिएगा, क्लाइंट आपसे डायरेक्टली नाम तो नहीं पूछेगा, पर एज अ लॉ एस्पिरेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, अगर इसका नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है। एयर इंडिया एंड अदर्स वर्सेस नरगेश मिर्जा। यहां पे देखिए, दिस सूट वाज फाइल्ड बाय द एयर हॉस्टेसेस वर्किंग एट एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस विच वर फेलो सब्सिडियरीज। ठीक है, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फेलो सब्सिडियरी थी और एयर हॉस्टेस ने सूट फाइल करी। वन कैटरिंग टू डोमेस्टिक फ्लाइट्स व्हाइल अदर कैटरिंग टू इंटरनेशनल ट्रेवल। तो जो एयर इंडिया थी वो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए थी, इंडियन एयरलाइंस इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए थी। यहाँ पे जो एयर हॉस्टेस थी उसने प्लेन फाइल करी एयर इंडिया एम्प्लॉयज सर्विस रेगुलेशंस, रेगुलेशंस 46, 47 और इंडियन एयरलाइंस सर्विस रेगुलेशंस, रेगुलेशन 12। अब ये रेगुलेशन का नाम हम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही डिटेल में लिख दिया इसमें। तो इसमें क्या हुआ था, एयर हॉस्टेस जो हैं रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द फॉलोइंग कंटिजेंसी ऑन अटेनिंग, कब कब आप रिटायर हो गए, आपको एयर हॉस्टेस चूज कर लिया गया, आप एयर इंडिया में एयर हॉस्टेस हो, अब आप रिटायर कब होगे, जब आपकी उम्र 35 साल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप शादी कर लोगे, अगर वो विद इन 4 ईयर्स ऑफ द सर्विस, मतलब आपने ज्वाइन करा इंडियन एयरलाइन और ज्वाइन करते ही 4 साल में अगर आपने शादी कर ली तो आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। और जब आप प्रेग्नेंट होगे, जब आप प्रेग्नेंट होगे तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, अगर आप 4 साल के अंदर शादी कर लिए तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, अगर आपकी उम्र 35 साल हो गई तब आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशंस थी इन रेगुलेशंस के अंडर जिसको चैलेंज किया गया। ओके, हाँ सही कह रहे हैं अपना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, एक मिनट आप कुछ कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं सर इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना होगा। अपना इसमें कुछ याद नहीं रखना होगा, समझना होगा। समझना ये होगा कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको शादी करने से रोका जाए तो ये अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। यहाँ पे एक एयरलाइन कंपनी है वो कह रही है कि अगर तुम शादी करोगी तो तुमको रिटायर होना पड़ेगा, फिर तुम सर्विस में नहीं रह सकती, फिर तुम काम नहीं कर सकती। तो क्या ये अग्रीमेंट वॉइड है या वैलिड है, इस पे डिस्कशन है, इसी को समझना है। तो आइए समझते हैं। वेल, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द कंपनीज टू चेंज देयर रेगुलेशन टू ब्रिंग पैरिटी इन द रिटायरमेंट एज ऑफ द टू सब्सिडरीज एंड ऑल्सो स्ट्रक डाउन द रूल अगेंस्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी फाइंडिंग इट इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हाउएवर अपहेल्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, कीपिंग इन माइंड द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द सोसाइटी इन जनरल। तो ये जो चार पॉइंट, तीन पॉइंट थे, एक तो ये था कि अगर 35 साल के हो जाओगे तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि यहाँ पे अपना थोड़ा रेगुलेशन चेंज करिए, थोड़ा पैरिटी लाइए रिटायरमेंट एज में। ये जो दो सब्सिडरीज हैं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन, तो इन दोनों में ये जो है पैरिटी होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज एक कॉमन होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो जाओगे तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, रिटायर होना पड़ेगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या होता है, इक्वालिटी का होता है। उसमें मान लीजिए कि आदमी के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आदमी तो नहीं प्रेग्नेंट होगा, लेकिन औरत अगर है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो आप कह रहे हो कि आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन हो रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट था कि अगर आप जो है
रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, अगर 4 साल के अंदर शादी कर लेते हो, कह रहे कि इसको रहने देते हैं, ये जो आप बिजनेस की नीड है, एयर हॉस्टेस का जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग और सोसाइटी इन जनरल की जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए ये रखा गया है। तो एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड होता है, और यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये वाला पॉइंट रहने देते हैं, ये वाला पॉइंट ठीक है कि अगर 4 साल के अंदर शादी कर लिए तो रिटायर होना पड़ेगा। तो देखिए इसमें इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड कि वायोलेशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज नॉट प्लीडेड बिफोर द एपेक्स कोर्ट इन दिस केस टू अ पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज डेफिनेटली एग्जिस्टेड अंडर द सर्विस अग्रीमेंट। तो इन ये जो सर्विस अग्रीमेंट है, जो एयर हॉस्टेस और एयरलाइन के बीच में अग्रीमेंट है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो कह रहे हैं कि अगर आप शादी कर लोगे 4 साल के अंदर तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, तो ये कह रहे हैं कि ये वायोलेशन ऑफ सेक्शन 26 तो है ही, लेकिन वो प्लीड नहीं किया गया था कोर्ट में, ये नहीं बोला गया था कि ये वायोलेशन है सेक्शन 26 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर ये प्लीड किया हो गया होता तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ और आई होती। तो जो प्लीड किया जाएगा उसी के हिसाब से तो जजमेंट होगा। आप ये पॉइंट ही नहीं उठा रहे हो कि ये जो है सेक्शन 26 का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये पॉइंट ही नहीं उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रहने देते हैं, ये रिक्वायर्ड है बिजनेस नीड की वजह से, सोसाइटी की नीड की वजह से। इट में ऑल्सो बी मैंशन हियर दैट द इम्प्यून्ड रेगुलेशन फॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज थ्रू आउट द सर्विस पीरियड, बट इट वॉज अमेंडेड बाई द कंपनी व्हेन अ सूट वॉज फाइल्ड। इफ द चेंज वुड नॉट हैव अकर्ड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट मे हैव वेल बीन डिफरेंट। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पहले तो ये था कि जब तक तुम हो सर्विस में तब तक शादी नहीं कर सकते हो, अब तो फिर भी आप कह दिया कि चलो 4 साल तक शादी नहीं कर सकते हो। अब पहले ये था कि जब तक तुम सर्विस में हो तब तक शादी नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक चेंज आया था पहले, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब जनरल अगर हम बात करें, ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है इज नॉट कंसिडर्ड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एट ऑल एज इट गिव्स फ्रीडम टू मैरी ऑन लीविंग द जॉब। ऑन दी अदर हैंड इफ द अग्रीमेंट वॉज बिटवीन ए एंड बी एंड ए वुड प्रॉमिस नॉट टू मैरी टिल द एज ऑफ से 35 years इन रिटर्न फॉर अ जॉब अंडर बी, इट वुड बी कंसिडर्ड अ रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज एंड वुड बी वॉइड। तो वैसे ये कह रहे हैं कि ऐसी जो अग्रीमेंट है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि आपको शादी करना है, जॉब छोड़ दीजिए शादी करिए, आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जॉब में बने ही रहिए। आपको रिस्ट्रेंट कहाँ तक किया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आपको जो करना है करिए, पर जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक आप अगर 4 साल के अंदर शादी करेंगे तब आपको रिटायर होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 साल के अंदर भी शादी कर लीजिए और जॉब में भी बने रहिए। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे हैंड में अगर मान लीजिए अग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में, और ए प्रॉमिस करता है कि मैं 35 साल तक किसी से शादी नहीं करूंगा और तुम मुझे जॉब दे दो, तो इसमें क्या होगा, ये वॉइड होगा यहाँ पे, ये जो है वॉइड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर रहे हो उसके बदले में कंसिडरेशन लगा रहे हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड रखा कि 4 साल तक शादी वाला जो रूल है, ये जो रेगुलेशन है, इसको रहने देते हैं, ये बिजनेस नीड्स है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ये रखा गया है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक्शन 26 प्लीड ही नहीं किया गया था, ये बोला ही नहीं गया था कि ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है सेक्शन 26 के अंडर। अगर वो किया गया होता प्लीड तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दूसरी आती, या तो पहले जैसा रूल होता कि एयर हॉस्टेस शादी ही नहीं कर सकती हैं, तो अगर एयर हॉस्टेस शादी ही नहीं कर सकती हैं तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जजमेंट दी होती। पर यहां जो 4 साल वाली बात थी, एक तरीके से है तो पार्शियल रिस्ट्रेंट, पर इसको प्लीड ही नहीं किया गया था सेक्शन 26, इस वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रहने देते हैं, उसको नहीं चेंज किया। तो ये है समझने वाली बात। ओके ओके हाँ चिराग सही कह रहे हैं आप, 4 साल के बाद, अरे मतलब कहने का ये है कि जॉब ज्वाइन करते ही अगर आप 4 साल में कर लिए तब आपको रिटायर होना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखा जाता है ना कि अब एयर हॉस्टेस का जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं प्रेफर करते हैं कि मैरिड एयर हॉस्टेस रहें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 35 years ऑन मैरिज इफ इट टुक प्लेस विद इन 4 years ऑफ द सर्विस, तो 4 साल की सर्विस के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हैं। अब आप जो ये बोल रहे हैं 4 साल के बाद वाला, ये मुझे लगता है कि ये ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन होगा कि उसके बाद की भी बात होती होगी। मतलब ये होता है कि 4 साल का लॉक इन पीरियड रखते हैं कि आपने सर्विस ज्वाइन की है तो कम से कम 4 साल तक तो आप शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद एग्जैक्टली क्या है ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या उसकी प्रोविजन होती होगी, मगर ये है कि एक लॉक इन पीरियड है कि जब अब मान लीजिए आप कहीं भी काम करते हो, तो एक होता है ना कि आप 3 साल तक यहाँ काम करोगे ही करोगे,
3 साल के बाद आप जहां करो करना चाहो वहां करो। ये लॉक इन पीरियड है एयर इंडिया का कि 4 साल तक अगर सर्विस की ऑन मैरिज इफ इट टुक प्लेस विद इन 4 ईयर्स ऑफ दी सर्विस, 4 साल के अंदर अगर आप शादी करते हो तब आपको रिटायर होना पड़ेगा, यही रूल है। 4 साल के बाद का एग्जैक्टली क्या है ये तो फैक्ट में लिखा नहीं है और ये मुझे इसका आइडिया भी नहीं है कि एग्जैक्टली उसके बाद वाला क्या सीन होता है, पर ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन तो यही बनती है कि उसके बाद भी जो यही होता होगा कि रिटायरमेंट की बात होती होगी। अब एग्जैक्टली 4 साल मैंशनड है तो फिलहाल फैक्ट के अकॉर्डिंग तो यही है जो आपके सामने है। ओके तो ये हो गई। बाकी एक और यहाँ पे एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि अग्रीमेंट ऑफ मैरिज फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डिवीजन बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट लुक्ड इनटू दिस केस वेरिन टू पार्टीज, एक ही आदमी की विधवा थी, एक आदमी था राम आधार, इसने 2 शादी करी थी, मर गया तो दोनों विधवा हो गई। तो आफ्टर द डेथ ऑफ देयर कॉमन हस्बैंड, जब राम आधार मर गया, एक डिस्प्यूट अराइज हुआ रेवेन्यू कोर्ट में कि कौन उसकी जमींदारी लैंड को होल्डिंग को इनहेरिट करेगा, तब उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। राम आधार तो मर गया, उसकी 2 विधवा हैं, दोनों विधवा कह रही हैं कि ये प्रॉपर्टी अब हमें मिलनी चाहिए। हाउएवर डिस्प्यूट जो है वो शांति से सॉल्व हो गया, सेटल हो गया, दोनों पार्टीज आपस में ही साइन कर ली कॉम्प्रोमाइज डीड। इसमें ये सेटल हुआ कि दोनों जो हैं वो बराबर बराबर हिस्सा पाएंगी, लेकिन अगर कोई दूसरी शादी करता है तो जो पूरा हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो जिसने शादी नहीं की है उसको मिल जाएगा। तो ये है कि दोनों विधवा ने कहा आधा आधा बांटेंगे हम लोग, आधा आधा मिलेगा हम दोनों को, लेकिन अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारा हिस्सा भी मुझे मिल जाएगा। सब्सिक्वेंटली गुलाब रानी फिर से शादी कर ली और प्रॉपर्टी जो है वो राव रानी के पास आ गई। देखिए राव रानी वर्सेस गुलाब रानी है ना, तो गुलाब रानी ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी मतलब कि हस्बैंड पहला वाला तो मर ही गया था, इन्होंने शादी कर ली। यहाँ पे राव रानी कह रही हैं कि इस सारी प्रॉपर्टी राव रानी के पास आ गई। कुछ साल बाद गुलाब रानी ने एक सूट फाइल किया कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे मेरे पास होनी चाहिए, और बाकी चीज और भी कंटेंशंस थे। इन्होंने कहा ये जो कॉम्प्रोमाइज डीड है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी करने से रोका जा रहा है। यहाँ पे सेक्शन 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो बारे में बात करता है उसके वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज लगा रहा है यहाँ पे, ये सेक्शन 26 यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। यार अपना तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाते हो कि अगर दोनों, अब बीच में अग्रीमेंट इनका सब आपस की बात है, इन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया कि अगर तुम शादी करोगी तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चली जाएगी, मैं शादी करूंगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, मतलब जो शादी करेगा उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब आप कह रहे हो कि अगर दोनों ही शादी कर लें तो ये उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, ये उन्होंने सेटलमेंट में रखा ही नहीं होगा, या रखा होगा, पर फैक्ट आपके सामने इतने ही हैं, इसी में आपको करना है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हो कि अगर दोनों ही शादी कर लें तब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत अच्छा आपने सोचा, लेकिन इसका फैक्ट में मेंशन नहीं है। फैक्ट में सिर्फ जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बताया गया है। ऐसे देखिए प्रोबेबिलिटी लगाने बैठेंगे तो आप बहुत चीजें सोच सकते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, और क्लैट ऐसे क्वेश्चंस बनाता भी है। क्लैट आपको एक फैक्ट सिचुएशन देगा फिर कहता है कि अगर ये होगा तब क्या होगा, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज फैक्ट में लिखी नहीं है, ये मेंशन नहीं है, इसकी नॉलेज हमें नहीं है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो अभी बस इतना पता है कि ये सेटलमेंट था कि जो भी शादी करेगा वो, अब और इसमें आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि ये जो बात है ये म्यूचुअल सेटलमेंट से है। तो राव रानी ने बोला होगा, राव रानी का था कि मैं तो नहीं करूंगी, उसको शक होगा कि गुलाब रानी करेगी, तो उसने ऐसा अग्रीमेंट क्लॉज लगाया होगा, वो उसने अग्री कर लिया होगा, तो यही हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम वुड इनहेरिट इक्वली, लेकिन अगर कोई रीमैरी करेगा तो जो इंटायर राइट है प्रॉपर्टी का वो दूसरे पे चला जाएगा। अब दोनों ही दूसरे अलग अलग शादी कर लें तब क्या होगा, इसका मुझे नहीं पता, ये तो लिखा नहीं है फैक्ट में, इसके बारे में नहीं पता मुझे। ओके ऑल राइट तो ठीक है। अरे नहीं अपना तो बहुत अच्छा है, ऐसा सोचिए, आप सोचना चाहिए, दिमाग जहां तक जाए वहां तक चलाना चाहिए। पर अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप लीगल रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपके सामने फैक्ट रखे जाते हैं, अब फैक्ट के बाहर भी बहुत चीजें हो रही होती हैं पर वो हमें बताया नहीं जाता है, तो हमें सिर्फ उतना पता होता है जो फैक्ट में लिखा है। अब कोई भी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें एक प्रिंसिपल दिया होगा कि ये प्रिंसिपल है और फैक्ट दिया होगा। अब किसी कोई ने, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्लैट का क्वेश्चन था जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट था, वो जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज सुना होगा आपने, नर्वस शॉक सुना होगा, तो नर्वस शॉक का क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कि किसी को कोई चीज देख के शॉक लग जाता है और उसको कोई इंजरी हो जाती है तो
तो उसके लिए भी जिस आदमी की वजह से यह हुआ, जो नेग्लिजेंट था, उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खून गिर जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका खून देख के वो नर्वस शॉक हो जाता है उसको, और उसका बेबी जो है वो स्टिल बॉर्न पैदा होता है। तो यहाँ पे फैक्ट में ये नहीं लिखा था कि मोटरसाइकिलिस्ट नेग्लिजेंट था कि नहीं था, बस ये लिखा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और लेडी को देख के नर्वस शॉक लग गया। तो ये चीज फैक्ट में लिखी ही नहीं थी कि वो एक्सीडेंट उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मटीरियल चीजें भी होती हैं जो आपको फैक्ट में नहीं लिखेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जितनी चीजें फैक्ट में दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अब उसको वर्कआउट करना होता है। अब आपके सामने जब भी आप जब कोर्ट्स में जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, तो आपके सामने एक फाइल रखी होगी। उस फाइल में पूरा डिटेल लिखा होगा कि ऐसे ऐसे ये घटनाक्रम हुआ, ये इसको मारा, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया, वहां गया। अब उसमें 1,000 बातें होंगी जो उसमें नहीं लिखी होंगी, तो वो चीजें आप खोजने नहीं बैठोगे, नहीं तो ऐसे तो आप कभी कोई केस ही नहीं लड़ पाओगे। अगर आप हर चीज खोजने लग जाओ कि इसका बेटा कौन है, उसकी बेटी कौन है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो एक बार आपको एक इस रिस्ट्रिक्ट करना होता है अपने आप को कि इतने फैक्ट मेरे सामने हैं, ये लॉ है, ये प्रिंसिपल है, अब इसी में हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो रहा है कि अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी तुम ले लेना, तुम शादी करोगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगी, तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट है, अब दोनों शादी करेंगे, ये बहुत अच्छी सोच है, पर हमें नहीं पता, फैक्ट में नहीं लिखा है, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। ओके, तो ये है। ऑल राइट, हाँ, नर्वस शॉक टॉर्ट भी पढ़ाया जाता है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना, तो कुछ नहीं, कॉमन सेंस ही है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही है लॉ, और कुछ नहीं है लॉ। ओके, यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट जो है एक्सप्रेस्ड इट सीरियस डाउट कि सेक्शन 26 जो कॉन्ट्रैक्ट का, वो पार्शियल और इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या लेता है, एंड इट वॉज नॉट परसुएडेड बाई दिस आर्ग्यूमेंट। चीफ जस्टिस ने क्या बोला इस केस में, ऑल दैट वॉज प्रोवाइडेड वॉज इफ अ विडो इलेक्टेड टू रीमैरी शी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट्स गिवन टू हर बाय द कॉम्प्रोमाइज। तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज यही हुआ था ना कि अगर तुम भी शादी करोगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, तो कह रहे हैं कि उसके राइट्स छिन जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज में यह है, अगर मान लो कोई दोबारा शादी करना चाहे तो। दूसरे शब्दों में, नो डायरेक्ट प्रोहिबिशन टू रीमैरी वॉज इम्पोज बाई द कॉम्प्रोमाइज एंड द कॉम्प्रोमाइज वॉज अराइव एट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फैमिली प्रॉपर्टीज एंड टू एंश्योर देयर प्रॉपर मैनेजमेंट। तो किस लिए यह अग्रीमेंट हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था ये जो फैमिली प्रॉपर्टी है इनका कैसे मैनेजमेंट होगा, इनको कैसे प्रिजर्व करना है, इसके बारे में हो रहा है। तो ऑल दैट वाज प्रोवाइडेड, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि क्या ये सेक्शन 26 यहाँ पे लागू हो रहा है, क्या यहाँ पे पार्शियल और इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो लगा रहा है, कह रहे कि वो इस आर्ग्यूमेंट में दिख नहीं रहा है। तो चीफ जस्टिस ने यह बोला कि जो भी दिया गया है कि अगर विडो दोबारा शादी करती है तो उसका ये अधिकार चला जाएगा, क्योंकि इसने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है तो अपनी प्रॉपर्टी में उसका अधिकार चला जाएगा। दूसरे शब्दों में देखें कि कोई डायरेक्ट प्रोहिबिशन नहीं लगाया जा रहा है, उसको कोई आपसे कोई चीज डायरेक्टली आपको प्रोहिबिट नहीं की जा रही है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी हम दोनों मिलके हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई शादी करेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। तो यहां पे कह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट प्रोहिबिशन नहीं है, इनडायरेक्ट। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट है मैरिज के ऊपर। तो जो पार्शियल और इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन है, ये पूछा था क्या ये सेक्शन 26 में आएगा, तो इन्होंने कहा कि ये नहीं आएगा, कह रहे कि ये परसुएडेड नहीं है इस आर्ग्यूमेंट से। तो फैमिली प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए ये अरेंजमेंट हो रहा था, तो कोई डायरेक्ट प्रोहिबिशन नहीं है, ऐसा कोई आपको मना नहीं किया जा रहा है कि तुम शादी मत ही करो। कह रहे कि अगर तुम करोगी तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी कॉमन फैमिली प्रॉपर्टी है, वो फैमिली में ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम ये फैमिली की प्रॉपर्टी लेके अपनी प्रॉपर्टी लेके अलग शादी करके ये दूसरी फैमिली में चली जाए, ये प्रॉपर्टी फैमिली में ही रहेगी। तो मतलब कि जो रामाधार था, जो मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी थी, तो उसकी प्रॉपर्टी उसी की रहनी चाहिए। तुम शादी कर लोगी और अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओगी, तब तो फिर अलग चली जगह चली गई ना, तो ये फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई ये आर्ग्यूमेंट परसुएड नहीं हो रहा है कि इसमें आपको कोई टोटल रिस्ट्रेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक तरीके से एक इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट है जो कि आपके सेक्शन 26 में नहीं आएगा। एक सिमिलर इंस्टेंस हुआ था, एक और केस है, सूर्य नारायण मूर्ति वर्सेस पी कृष्ण मूर्ति। यहाँ पे दो विडोज थी, वैसे ही उन्होंने अग्रीमेंट किया कि वो अपना शेयर फोरफीट कर देंगी, छोड़ देंगी अगर हस्बैंड और डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी
अगर वो दोबारा शादी करती हैं तो। और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया था क्योंकि डायरेक्टली मैरिज को रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में ये वॉइड नहीं माना गया है, वैलिड माना गया है। यहाँ पे डायरेक्टली रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं किया जा रहा है कि तुम शादी ही मत करो, यहाँ पे ये किया जा रहा है कि अगर तुम शादी करोगी लेकिन ये प्रॉपर्टी फैमिली की है, फैमिली में ही रहेगी, ये प्रॉपर्टी फैमिली से बाहर नहीं जाएगी, तो मत करो शादी, तो रहेगी तुम्हारे पास। मतलब अगर तुम फैमिली में हो तो तुम्हारे पास रहेगी, तुम फैमिली से अलग हो रहे हो तो प्रॉपर्टी यहीं रहेगी, तुमको अलग होना है हो जाओ। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। उमेर वानी आ गए हैं, हाय उमेर, ओके, शायद आप पहली बार आए हैं मेरी क्लास में। अपनत्व देन डिजीज हस्बैंड प्रॉपर, अपनत्व देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, डिजीज हस्बैंड का लड़का हो सकता है, डिजीज हस्बैंड के और रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी को भी जा सकती है वो प्रॉपर्टी, जरूरी थोड़ी है कि वाइफ के पास ही रहे, और वाइफ अगर शादी कर ले जाए तो वो सारी प्रॉपर्टी लेके चली जाए, तो वो डिजीज हस्बैंड के जो भी, आप जब मैं आपको जब फैमिली लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा कि अगर कोई आदमी बिना वसीयत बनाए मर जाता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टेट। यहाँ पे एक शब्द देखिए, इंटेस्टेट, इंटेस्टेट जो है यानी कि बिना टेस्टिमनी टेस्टिमनी बनाए मर जाता है, बिना वसीयत लिखे मर जाता है, तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे वो प्रॉपर्टी उसकी डिवाइड होगी, उसके कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे जाएगी, अगर कोई लड़का नहीं है तब किसके पास जाएगी, अगर वो भी नहीं है तब किसके पास जाएगी, तो कौन कौन से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, किन किन में वो जाती है प्रॉपर्टी, तो ये तो सारा कानून बना हुआ है। इसकी चिंता मत करिए कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, वो तो कानून में उसका पूरा हिसाब किताब है कि कहाँ जानी चाहिए प्रॉपर्टी, तो सारी चीजें ऑलरेडी हैं। पर अगर ऑलरेडी कोई सेटलमेंट है कि वाइफ दोनों आधी आधी लेके बैठी हुई हैं, तो उसमें यह है कि फैमिली में रहेगी प्रॉपर्टी, वो अगर तुम अलग शादी कर रहे हो तो प्रॉपर्टी वहां वहीं पे रहेगी, प्रॉपर्टी दूसरी फैमिली में नहीं जाएगी, फैमिली प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ओके, अपना तो कह रहे हैं सर कब से पढ़ाएंगे, अब देखिए अपना तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा, मार्च के बीच में ही हो जाएगा, 10th 15th मार्च तक हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल तो पढ़ ही रहो कृति मैम से, तो मैं फैमिली लॉ पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो फैमिली लॉ भी पढ़ सकते हैं। हालांकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं चार एरिया से आने की पॉसिबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट और ये जो आपका क्रिमिनल लॉ है। फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप लॉ कॉलेज में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जानने वाली, जो तो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन दे रखा है, सेक्शन 26 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये वाइडली फ्रेज्ड प्रोविजन है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन है कि इट डज नॉट होल्ड वॉइड एनी एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंड करे पार्शियल या एब्सोल्यूट किसी माइनर की शादी को। ये जो है, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इन जनरल टू मैरी अ माइनर गर्ल एंड बाय एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट ऑन सच एक्ट, द एग्रीमेंट रिस्ट्रेंडिंग सच माइनर कैन बी सेट टू बी फर्दर पब्लिक पॉलिसी इंस्टेड। तो अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो कि तुम्हारी उम्र अगर 14 साल है, तो जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक तुम शादी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये दूंगा, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। अगर आप किसी 18 साल से कम उम्र के लड़के को लड़की को शादी करने से रोक रहे हो, तो ये तो पब्लिक पॉलिसी को फर्दर इंटरेस्ट में कर रही है, फर्दर पब्लिक पॉलिसी को ये कर रही है, इसमें कोई गलत चीज़ थोड़ी हो रही है। ये कानून इसीलिए तो बना है कि अगर कोई 18 साल का हो गया है तो उसके पास मर्जी से अपनी शादी कर सके, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि किससे शादी करनी है, क्या करना है। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई 18 साल से कम है उसके साथ कोई अग्रीमेंट कर लो कि तुम 18 साल से पहले शादी मत करना, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें भी ये वॉइड नहीं होगा, इसमें वॉइड ये नहीं बोला जाएगा कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, यहाँ पे कहा गया है कि ये एक्सेप्शन है, तो आप शादी करने से अगर किसी को रोक रहे हो तो वो वॉइड होगा, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तब वहां पे वॉइड नहीं होगा। तो अगर माइनर के बारे में, मैरिज के बारे में कोई ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है तो वो वॉइड नहीं होता है। ओके, निकिता कटियार कुछ पूछी है, 1 मिनट, ओके निकिता, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ कमेंट्स मैंने काफी सारे कमेंट्स मिस हो गए, 1 मिनट। इशिका, पहले मैं इशिका का देख लेता हूँ, सिंस दिस केसेस आर वैलिड दे आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इशिका देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि वैलिड हैं यानी कि जो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि अगर तुम रीमैरी करोगी तो प्रॉपर्टी तुम्हारी सब मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसका मतलब है कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, यानी कि अगर ये लड़की कोर्ट में जाएगी, क्या नाम था, गुलाब रानी, गुलाब रानी
ने दूसरी शादी कर ली, राव रानी जो है उसको गुलाब रानी की प्रॉपर्टी मिल गई। अब गुलाब रानी कोर्ट में गई हैं, कह रही हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी राव रानी लेके बैठी हैं ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है और ये वॉइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि नहीं, ये जो आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो वैलिड कॉम्प्रोमाइज है, उसको एनफोर्सिएबल है और राव रानी के पास ही वो प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि ये अग्रीमेंट वैलिड है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं शिका, अगर वैलिड है मतलब कि एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। ओके, आगे निकिता कुछ कह रही हैं, बट सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता कि कोई शादी करेगा तभी उसे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, देन विल इट बी वैलिड और वॉइड? निकिता देखिए, अगर तुम शादी करोगे तभी तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो नहीं है। हम तो शादी करने को कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि शादी मत करो। और अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो शादी करो, नहीं चाहिए तो मत करो। तो इसमें रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कंसेप्ट ही नहीं लगेगा, इसमें ये अग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। तो उसके बदले में वो क्या कर रहा है, आप क्या कह रहे हो कि अगर तुम शादी करोगे तभी तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर शादी नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपका ही लड़का है, आप अपने लड़के के साथ अग्रीमेंट ऐसा कर लेते हो कि अगर तुम शादी करोगे तभी मेरी प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी, और फिर आपकी मान लीजिए जिसने ये अग्रीमेंट किया अपने लड़के के साथ उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है और उसने अगर कोई वसीयत नहीं बनाई है तो लड़के का अधिकार तो है ही उसकी प्रॉपर्टी में, उसके उस अग्रीमेंट की वजह से उसका वो अधिकार तो चला नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं कि अगर वो लड़का, तो इसमें आप ये बताइए डिस्प्यूट क्या होगा। सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम शादी करोगे तब तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आप शादी कर लो, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, या आप ये इन्फोर्सिएबल होगा, वैलिड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिस्प्यूट कहाँ पे आएगा? डिस्प्यूट तो यहाँ पे ये नहीं आएगा ना। अगर ये होता कि तुम शादी नहीं करोगे तब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा, तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाता, यहाँ पे ये वॉइड हो जाता। तो अगर वो शादी कर लेता तब वो कहता कि मैंने शादी कर ली है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझने वाला ये है कि आप जो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इंसेंटिव की लगाया जाए, शादी करने पे इंसेंटिवाइज किया जाए कि शादी करोगे तब मैं ये करूंगा, ये अग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। इस अग्रीमेंट में रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में ये अग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा लगाना, रुकावट लगाना। तो यहाँ पे आप कोई रुकावट नहीं लगा रहे हो, कि जो रिस्ट्रेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो रोकने के लिए है, रुकावट लगाने के लिए है, बाधा लगाने के लिए है। अगर आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो तो वो इसमें नहीं आएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट्स में नहीं आएगा। और ये तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अभी ऐसे आप बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, जो इमोरल होते हैं, वो सारे भी आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो। तो ये जो आप सिचुएशन बता रहे हो ये बाकी और किसी में आ सकता है, पर ये सेक्शन 26 में नहीं आएगा। आप जो सिचुएशन बता रहे हो कि अगर तुम शादी करोगे तभी तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये आपका सेक्शन 26 में कवर नहीं होगा। इसमें आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं लगेगा। यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में सिर्फ तभी लगेगा जब आपको रोका जा रहा है, रुकावट लगाई जा रही है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे और कुछ कमेंट्स देख लूँ। ओके, अपनत्व कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं सर। देखिए अपनत्व होने को तो बहुत सारे लॉज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मैं आपको डेफिनेटली आपको बता दूंगा एटलीस्ट कि कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, और थोड़ी बहुत बातें आपको बता दूंगा कि उसके बारे में, जिससे कि आपको आइडिया रहे। क्वेश्चन तो अब देखिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आना है, अब पैसेज तो कहीं से भी आ सकता है ना, उसमें कहीं लिखा थोड़ी है कि पैसेज सिर्फ यहीं से आएगा, कोई भी पैसेज उठा देंगे। 2020 में आई प्लीडर के आर्टिकल उठा लिए थे, एसएससी ऑनलाइन के आर्टिकल उठा लिए थे, 2021 में हो सकता है लाइव लॉ से उठा लें, बार एंड बेन से उठा लें, द प्रिंट से उठा लें, क्विंट से उठा लें, स्क्रॉल से उठा लें, पैसेज तो कहीं भी आ सकता है। तो जितनी भी लॉ की न्यूज़ आपको आती रहती है उस पर थोड़ा ध्यान रख के रहा करिए कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी कोई बात हो रही है तो कम से कम ये तो पता रहे कि कॉपीराइट होता क्या है, ट्रेडमार्क होता क्या है, पेटेंट होता क्या है, कि अगर कोई पैसेज आए तो कुछ समझ में आया, ऐसा ना हो कि एकदम सर के ऊपर से निकल जाए। तो फैमिलियर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, निकिता कह रही है सर एक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? निकिता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम लोग परसों से शुरू करेंगे, अभी मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। बेलमेंट में ये होता है कि आप मान लीजिए कि सिंपल सा एग्जांपल कि आप अपना कोट जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए देने जा रहे हो, तो
आप क्या कर रहे हो, बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आप अपना पोजेशन दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का किसी और को, और वो काम करके उसको वापस करेगा, तो वो प्रॉपर्टी आप उसको दे तो रहे हो पर उसको वो यूज नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, जिस काम के लिए दिए हो वो काम करके वो आपको लौटा देगा। यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, एक बेलर के एक बेली के। तो आप अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी रिपेयर होने के लिए गैराज में दे रहे हो, तो आप बेलर हो, गाड़ी देके आप चले गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेलमेंट हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मेरा सामान रखो इसको रिपेयर करके वापस कर देना, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो रखवा रहा है अपना सामान वो बेलर है, जिसके पास रखवा रहा है वो बेली है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें कि बेलमेंट में क्या क्या राइट होते हैं। मैंने आपको जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा था, मैं जब मैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको सड़क पे पड़ा हुआ कोई पर्स मिल जाता है, किसी की कोई सोने की रिंग मिल जाती है, कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो आपका जो पोजिशन होता है वो उसी तरीके का होता है जैसा कि एक बेली का होता है। मतलब कि आप उसके मालिक नहीं हो गए हो, आप उसको अपने पास रखो और कोशिश करो कि वो उसके सही ओनर के पास लौटा दिया जाए, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई है। तो आप अपना कोट किसी को ड्राई क्लीन करने के लिए दे रहे हो, तो वो कोट को रखेगा, और यार 9 बज गए हैं, स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है, मतलब 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास थी, तो अगर स्पेशल क्लास नहीं शुरू हुई तो फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी का डिस्कशन आज भी कंप्लीट हो नहीं पाया है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो आप आई थिंक बेलमेंट बेली हम लोग परसों से डिस्कस करेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब आप लोग स्पेशल क्लास में आ जाइए, जिसमें कि हम लोग एलियट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लास को पॉज करता हूँ, बाकी ओके हाँ हाँ अगला क्लास एलियट डिस्कशन का ही है, तो आ जाइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, एलियट के डिस्कशन की। अब मुझे कम से कम 5 मिनट लगेगा क्लास को सेटअप करने में, काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप आइए स्पेशल क्लास में मिलते हैं, बाकी इस डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करूंगा कल की ही क्लास में, क्योंकि तो अभी तक आप अग्रीमेंट एंड डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं समझ पाए हैं, बीच में थोड़ा लाइट चली गई थी उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं और फिर जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आ जाइए स्पेशल क्लास में आ जाइए, तब तक मैं मिलता हूँ। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं स्पेशल क्लास में।